Question number 18. According to table 6.6, the standard deviation for all the common stock for the period 1926 to 2010 was 19.9. Using the data from table 6.1, calculate the standard deviation for the period 81 to 91 and compare your results. So basically, हमें इस सारे period का तो जो 85 years है उनका standard deviation तो पता है. Question जो है वो ये आपको कहता है कि आप table में जाएं 6.1 में और वहाँ से standard deviation आप calculate करें 1981 से लेके जो period है 1991 तक का. ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. और उसके लिए आपको समेशन चाहिए, x माइनस x बार चाहिए, इसका स्क्वायर ले सकते हैं एंड देन यू विल नीड n माइनस 1. तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जी टेबल नंबर जो हमारे पास है 6.1 के अंदर. इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन 81 से लेके ऑनवर्ड 91 तक की गिवन है. तो मैं अपनी आसानी के लिए इस सारी इंफॉर्मेशन को जो एक्सेल है एक्सेल के अंदर ले जाता हूँ. एक्सेल के अंदर यहाँ पे मेरे पास 89 तक का डाटा तो मौजूद है. मैं यहाँ पे दो और जो साल हैं जो मिसिंग हैं यहाँ पे उनका डाटा भी अभी इंक्लूड कर देता हूँ. सो दिस इज आर 89, देन जो 90 है उसका माइनस 3.14 है. माइनस 3.14 है 1990. देन वी नीड 1991 और उसकी इंफॉर्मेशन है जी 30%. सो हियर इज 30%. तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए इस सब के लिए वो चाहिए एक्स बार की. एक्स बार के लिए हम एवरेज का फार्मूला लगा सकते हैं. एवरेज के फार्मूले के लिए हम सिंपली इक्वल का साइन दबाएंगे. बल्कि इस एवरेज का फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक्सेल के अंदर डायरेक्टली भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं. तो मैं एस को लूँगा, उसके बाद मैं ये सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ निकल आएगा. लेकिन क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में एक्सेल नहीं होगा तो आपको जो दूसरा फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है वही अप्लाई करना पड़ेगा. और इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स बार चाहिए जो कि एवरेज है रिटर्न्स का. तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्स बार के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन दबाएं और यहाँ पे एवरेज लिखें आप और इन सारी वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट कर लें तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी. अब हमें जो सेकंड कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है एक्स माइनस एक्स बार. सो दिस इज़ आर एक्स एंड दिस इज़ आर एक्स बार. इस इन्फॉर्मेशन को हम पुट करते जाएंगे. मैं इस सेल को जहाँ पे हमारा एक्स बार गिवन है इसको मैं लॉक कर देता हूँ. अगर आप डॉलर का साइन दें तो ये इसकी रो और उसका कॉलम जो है उसको लॉक कर देगा. और ड्रैग डाउन करें तो ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ गया. जो नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए होता है इसके लिए विच इज़ स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, तो मैं इसकी पावर 2 ले लेता हूँ. सो दिस विल गिव अस स्क्वायर. तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया. उसके बाद हमें सम चाहिए होता है तो यहाँ पे ये सब जब स्क्वायर आपके पास आ जाएंगे तो आप सिंपली इक्वल का साइन दबाएं कहीं पे भी.
देन सम, और आप इन सब को एड अप कर दें। तो वापस अपने फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो हमने ये जो समेशन x माइनस x बार स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ अभी तक कैलकुलेट कर ली हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस के लिए हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, इनको हमने डिवाइड कर देना है n माइनस 1 के साथ। तो पहले हम अपना n की कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारे पास जो हमारा n है वो बनता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 करना है, सो दिस विल बी 10। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट का ये हमारे पास फार्मूला आ गया, दिस सेलेक्ट दिस वन, 13.14। तो ये हमारे पास दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.18। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास जो जो ओवरऑल सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 19.9 था, और हम इस एक सब पीरियड जो हमने ओवरऑल सैंपल अपनी पॉपुलेशन में से लिया है जो कि 11 इयर्स का है, उसको देखें तो इसका 13.14 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये स्मॉलर पीरियड है 11 इयर्स का, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है एज़ कम्पेयर टू आर होल पीरियड ऑफ 85 ईयर्स।